जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह, हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास है जिनका नाम एस से शुरू होता है या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसका नाम एस लेटर से स्टार्ट होता है। आपके लिए साल 2024 पूरा कैसा रहेगा, जनवरी से दिसंबर तक सारी जानकारियां दूंगी, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हेल्थ हो, पैसा हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर एक चीज के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपका है नाम एस से तो आप इस वीडियो को देखकर अपने आप का फायदा उठाइएगा, नहीं तो अगर आपके जानने वाले का है तो उन तक भी शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। चलिए जानते हैं एस नाम वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले चांडिल्य न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एस लेटर नंबर 3 के जो है अंडर आता है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर होता है, ये मैंने आप सभी को बताया हुआ है। बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य होता है नंबर 3 पर, इसीलिए एस नाम वालों पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इस अक्षर का संबंध शतभिषा नक्षत्र से भी है। जी हाँ, अब एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आता है एस लेटर का नाम। और अगर इसके स्वामी की बात करें तो शतभिषा के स्वामी है राहु। और ये अक्षर जो है, अगर जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मेरी राशि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो एस नाम वाले जिनके भी पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी राशि कुंभ बनती है। और ऐसे में देखें तो कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि ग्रह। अब कुछ खास चीजें जान लीजिए, जैसे कि एक तो शनि का साल है 2024 को ऐड करेंगे तो नंबर 8 आएगा, तो शनि का साल है। इसके अलावा आपका जो नाम, आपकी नाम राशि बनती है वो भी बनती है कुंभ, जिसका स्वामी शनि है, तो शनि का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। कर्मों के आधार पर आपको फल मिलने वाला है साल 2024 में। शुरुआत करते हैं करियर के साथ, जॉब के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की, एस नाम वालों की, जो जॉब करते हैं। करियर के मामले में एस नाम वालों का साल 2024 जो की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से होगी। जनवरी से अप्रैल तक का जो टाइम है, इसके बीच में आपको नई नौकरी पाने में या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं वहां प्रॉब्लम आने वाली है। नौकरी अगर मिल भी जाती है तो नाखुश रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आप अपने जो है उस जॉब से। और आप जिस काम में हैं, जनवरी टू अप्रैल के बीच में हर काम देरी से होगा, काम का दबाव बना रहेगा। मई के बाद हालात थोड़े बेहतर होंगे, आपको सही दिशा में मिलेगी। आपका जो ध्यान भटकना, कामों में तुरंत सफलता ना मिल पाना या फिर काम के लिए पहचान मिलने में देरी होने की वजह से आप परेशान और असंतुष्ट रह सकते हैं जनवरी टू अप्रैल, लेकिन मई के बाद चीजें थोड़ी बैलेंस्ड हो जाएंगे। और सितंबर से दिसंबर के टाइम जो है, यानी लास्ट के कुछ महीने जो हैं आपके लिए 2024 के शानदार रहेंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे आप स्टार्टिंग में, नई नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। तो देखा जाए तो मैंने मंथ वाइज आपको बताया कि जनवरी टू अप्रैल थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा ध्यान से चलना है जॉब करने वालों को। अब बात करते हैं बिजनेस करने वालों की, तो आपके लिए भी जनवरी से अप्रैल के बीच में आपको थोड़ा सा बिजनेस करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत होगी। इस दौरान पार्टनरशिप में कोई भी काम शुरू मत कीजिएगा। मई से दिसंबर के बीच का जो टाइम है, ये आपके लिए बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी अच्छा है, और काम को बढ़ाना चाहते हैं तब भी अच्छा है। साल 2024 में आपको धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस मिलेगी, आप प्रगति करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मई से दिसंबर का टाइम आपके लिए अच्छा है, बाकी टाइम जो है थोड़ा बच के चलने वाला है। तो बिजनेस करने वालों के लिए भी बताया। अब बात करते हैं मैरिड लोगों के लिए। एस नाम वाले जितने भी मैरिड लोग हैं, ध्यान से अब सुनिए मेरी बात। जनवरी से अप्रैल के बीच पार्टनर के साथ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। जी हाँ, शनि देवता आपके वैवाहिक रिश्ते में शांति को भंग करने का काम करने वाले हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। पार्टनर के साथ समझदारी से चलने की जरूरत है। अधिकतर समय 2024 में आप अपने देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में अट्रैक्शन नहीं फील कर पाएंगे आप अपने पार्टनर की तरफ, पार्टनर से वो जो बोलते हैं ना, कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाएगा आपका अपने पार्टनर से। मई से थोड़ा टाइम ठीक होगा, आपसी तालमेल की जो है मदद से आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम भी बिताएंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने के भी आसार हैं। मई से दिसंबर तक का समय जो है, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए ठीक रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, मैं ये कह सकती हूँ। अब बात करती हूँ इस नाम वाले लवर्स की, जिनके रिश्ते हैं, जिनकी लाइफ में कोई प्यार है। जनवरी से अप्रैल का टाइम जो है आपके पार्टनर के साथ अनबन लेकर आएगा, विवाद लेकर आएगा, समझ की कमी, बहस, एक दूसरे पर शक करने जैसी स्थिति जो है आपको देखने को मिलने वाली है जो है मई से अप्रैल के बीच में।
साल की शुरुआत में आप अपनी फैमिली मैटर को लेकर भी, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर भी उलझे रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के को टाइम नहीं दे पाएंगे और आपका उनके साथ टकराव या बहस होने की आशंका ज्यादा दिखेगी। लव लाइफ को लेकर मन में कई सवाल और उलझने भी पैदा हो सकती है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मई से दिसंबर का समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। एस नाम वालों के लिए अगर देखा जाए, अगर आप सिंगल हैं तो बात हो गई लवर्स की, बात हो गई मैरिड लोगों की। एस नाम वाले लोग, अगर आप सिंगल हैं और शादी करने की सोच रहे हैं, तो अगर पूरे 2024 की बात करूं मैं, तो जून से दिसंबर तक का समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई लवर्स की, मैरिड लोगों की और सिंगल लोगों की। अब चलते हैं स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स के लिए साल 2024 में जनवरी से अप्रैल तक का टाइम जो है दिमाग में डाउट उत्पन्न करेगा। धीमी गति से परिणाम मिलना और असफलता के कारण आप परेशान रह सकते हैं। धैर्य, पेशेंस और शांति से काम लेना होगा। मई से दिसंबर के दौरान आप किसी कंपटीशन की तैयारी में जो है जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में, या फिर अगर हाई प्रोफेशनल स्टडीज में आप जाना चाहते हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। इस समय चीजें बड़ी तेजी से आपके पक्ष में आती हुई नजर आएंगी, यानी मई के बाद। तो स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग के 4 महीने थोड़े टफ हैं, ध्यान देना होगा, पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, पेशेंस रखना होगा, शांति से सोचना होगा और एक सही गाइड अपनी लाइफ में रखना होगा। अब चलते हैं पैसे पर। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अब चलते हैं रुपये पे। जनवरी से अप्रैल के बीच एस नाम वालों को धन के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। पैसा उधार लेना पड़ सकता है। धन लाभ की दिशा में आप पैसा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाभ हो, तो उसकी दिशा में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति एवरेज रहेगी आपकी। पैसों का लेन देन और कोई भी धन से जुड़े मामले को लेकर आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। मई के बाद आर्थिक जीवन में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को आपको मिलेगा। मई से दिसंबर के दौरान जो है आप बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अचानक से कहीं से पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका भाग्य जो है वो आगे बढ़ेगा, चमकेगा। तो ये बात हो गई पैसे की, प्रॉपर्टी की। अब चलते हैं हेल्थ पर। जी हाँ, कहते हैं ना स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो जनवरी से अप्रैल 2024 में देखा जाए तो ये जो समय है उलझनों में घिरे रहेंगे आप, इसीलिए सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, ये पूरा ना एस नाम वालों के लिए जनवरी से अप्रैल का टाइम थोड़ा सा टफ है। तो इस दौरान आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, सिर दर्द होने की समस्या हो सकती है। कोशिश करनी है अप्रैल तक अपने आप को तंदुरुस्त रखने की। मई तक आप रखिए अपने आप को तंदुरुस्त, उसके बाद जो है मई से आपकी इम्यूनिटी पर थोड़ा सा असर होगा, वहां आपको ध्यान देना होगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आपको सेहत में सुधार देखना शुरू होगा, सेहत अच्छी रहेगी। जितने भी लोग एस नाम वाले वीडियो देख रहे थे, मैंने आपको मंथ वाइज बताया कौन से महीने थोड़े से टफ रहेंगे साल 2024 के और कौन से हैं जो बहुत अच्छे रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आने वाले साल को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। ये तो एस नाम की बात हो गई। ए नाम वालों के लिए कैसा रहेगा ये भी मैंने वीडियो के थ्रू बताया। हर लेटर के बारे में बताऊंगी, जी हाँ, क्योंकि लोगों के पास डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सोचते हैं मैं कैसे जानूं कि मेरा राशि, मेरी राशि कौन है और मेरा आने वाला साल कैसा होगा। आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लेटर हॉरोस्कोप है, अक्षर आधारित राशिफल है। तो आपके अक्षर, नाम के पहले अक्षर के आधार पर ये राशिफल तैयार किया जा रहा है। देखिए, फायदा उठाइए। जाने से पहले उपाय देकर जाती हूँ एस नाम वालों को। 3-4 चीजें हैं जो आपको करनी है साल 2024 को बेहतर बनाने के लिए। झूठ बोलने से बचिए। जी हाँ, अगर आप झूठ बोलते हैं किसी भी चीज में, झूठ बोलने से बचना है। दूसरा, सूर्य देवता की खास तौर पर आपको पूजा करनी है। तीसरा, जरूरतमंदों को हर शनिवार को आपको खाना खिलाना है या अनाज दान करना है, अन्न दान करना है। ये 3 काम करते हैं साल 2024 आपका बैलेंस रहेगा। बाकी आने वाले साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं धर्मा फैमिली की तरफ से। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में कुछ खास जानकारियां लेकर। तब तक खुश रहे, ख्याल रखें। नमस्कार।